तो जी फिर से एक बार रूम और चेंज हो चुका है हमारा। उस वाले रूम में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी हमें, अब हमारा ये वाला रूम है। इस तरीके से अलमारी अलमारी लगी हुई है। ओके और भाई ये हमें पैडी ऐसी लगा रखी है भाई, अभी गिर जाता मैं, बच गया। ये जी हमारे हैदराबाद के कमरे, बढ़िया तरीके से बड़े लग रहे हैं, मौज है जी मौज। तो जी अभी आ चुके हैं हम अपने रूम के अंदर। ये हमारा रूम है हैदराबाद में, और कैसा लग रहा है बता देना। और यार शूज उतार ले अपने, बैठ रहे हैं बहुत देर हो गई यार, 2-2.5 घंटे के अंदर तो पहुंचे ही हैदराबाद के अंदर। और यहाँ का रास्ता भाई कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर का था, हमने पुल ही तय करा है, सबसे लंबा पुल है हैदराबाद के अंदर। परेशान हो गए आते आते। ये देखो रात के अंदर कितना टाइम हो रहा है, सब रात के 2 बज रहे हैं। जूते कैसे लगे भाई बता देना, है बढ़िया हमारे जूते हैं भाई। ओके और भाई अब कपड़े वपड़े उतार लेते हैं, चलो भाई बाय बाय, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। तो जी हैदराबाद आए और हैदराबाद की बिरयानी ना खाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज ही हैदराबाद आए हैं और आज ही हमारे लिए बिरयानी आ गई है, और अब बिरयानी चेक करते हैं, खाते हैं बढ़िया तरीके से, बताते हैं कैसी बन रही है। ये यहाँ की फेमस बिरयानी है, ये टेस्टी है यार, चलो खा लेते हैं। तो जी आज है हमारा हैदराबाद के अंदर पहला दिन, और अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं भाई, 12 बजने वाले हैं, 12 बजे नहीं है, 12 बजने वाले हैं। और जाएंगे भाई बढ़िया तरीके से घूमेंगे आज। और जो है मेरा दोस्त हैदराबाद से, बताओ भाई कहाँ पर हो, मिल लेते हैं, समय लगता है तो सही है ना। और भाई एंजॉय करो अपनी लाइफ और लोगों को करने दो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो जी अभी हम जा रहे हैं अपने होटल से बाहर, ये अपना होटल का व्यू है, और काफ़ी सारे लोग जाना चाह रहे हैं कि भैया अभी हम हैं कहाँ पर, हम हैं हैदराबाद के अंदर बढ़िया तरीके से चार मीनार देखने जा रहे हैं। ऐसे एक बात बताऊँ भाई, हैदराबाद का मौसम बहुत सही हो रहा है इस वक्त, मज़े आ रहे हैं यहाँ पर। वेदर मतलब देख लो, रात को मैं मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे आया था, और अभी किसको सीटी मार रहा भाई ये, अभी 12 बज चुके हैं, और अब मैं 12 से 12 मेरे ख्याल से 1 बज रहा है अभी, और मैं अब घर से बाहर निकला हूँ, मतलब घर से कह रहा हूँ होटल से बाहर निकला हूँ। और ये जो देख रहे हो अपने बराबर में, ये हैदराबाद का बिग वो है, क्या बोलता है, बिग बाज़ार, बिग बॉस कह रहा हूँ, बिग बाज़ार है ये हैदराबाद का। अंदर जाकर दिखाता हूँ कैसी कैसी चीज़ें दिखने वाली है, घूमेंगे यार बढ़िया तरीके से। ये देखो जी ये पीछे देख रहे हो, ये हमारा हैदराबाद का बिग बाज़ार है, और यहाँ पर देखो ये कुछ मंच वंच हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, वहाँ पर चल के दिखाता हूँ कैसा है। भैया मीडिया वीडिया भी आई हुई है यहाँ पर, तो आओ जरा चेक करके आते हैं कैसा हिसाब चल रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट तो जी जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है अपने हैदराबाद के अंदर, ये कुछ इस तरीके से एमएलए बनी बड़ी। ये हैदराबाद के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मुझे भी नहीं पता किस चीज़ चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे पूरी की पूरी भीड़ लग रही है ये इस तरीके से है। और इस वक्त हम खड़े हैं चौक के ऊपर, ये इस तरीके से चौक है, काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे भाई तू वो एंजॉय कर ले, तू वीडियो क्यों बना रहा है भाई, ऐसे ही बना लेते क्या होगा, टेंशन है कुछ, पहली बार हैदराबाद आए हैं हम भी तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। शांत सिटी है वैसे ये जी, हैदराबाद के रोडों पर घूम रहे हैं, नमाज हो रही है इस वक्त यहाँ पर, सबको पता है देखो एक से एक यहाँ पर सैंपल पीसेज आपको मिल जाते हैं। वैसे बहुत बड़ी मार्केट है भाई हैदराबाद की, ऐसी बातचीत नहीं है, मीना बाज़ार फेमस है यार, मीना बाज़ार ढूंढ रहा हूँ कहाँ की तरफ से जाऊँ। तो जी मीना बाज़ार आए थे, यहाँ पे सारी चीज़ें मीना बाज़ार के नाम से ही है, जैसे पीछे देख रहे हो ये मीनाज है, और वो आगे मीना बाज़ार है, मतलब दुकान टाइप का, मैंने सोचा था कि उस तरीके का कुछ है। तो जी हैदराबाद के अंदर जूस के मज़े लिए जा रहे हैं, जूस गन्ने का जूस, गर्मी के अंदर गन्ने का जूस सबसे बढ़िया होता है, तो भाई पीते रहा करो। तो अभी घूम रहे हैं हैदराबाद के अंदर सलारजन म्यूजियम के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके की टिकट है यहाँ की, और ये देखो भीड़ लग रही है यहाँ पर भी, पुराने ज़माने का भाई सब कुछ यहाँ पर, पूरा पुराने ज़माने पूरा पुराने ज़माने का, ये देखो पीछे की तरफ यहाँ पर
फायर ब्रिगेड खड़ी कर रखी है पुराने जमाने की इन्होंने, कि भैया आग लग गई तो बुझाने के लिए।